फिर झूठ बोलती पकड़ी गई आतिशी मार लेना। आतिशी जेल जाने के बाद 7 किलो घटा केजरीवाल का वजन। तिहाड़ जेल केजरीवाल का वजन 65 किलो है या उतना ही है जितना जेल आते समय था। उनकी तबीयत एकदम ठीक है। दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल अफसर की रिपोर्ट के अनुसार 50 दिनों की जेल के दौरान अरविंद केजरीवाल का मात्र 1 किलो वजन कम हुआ। इतना तो जेल गए व्यक्ति को शर्म से ही हो जाता है, इसलिए केजरीवाल और उनके गिरोह को रहस्यमयी बीमारी की नौटंकी बंद करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अब जल्द ही खत्म होने को है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। इस बीच आम आदमी पार्टी का दावा है कि ईडी की हिरासत और न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल का वजन अचानक से और बिना कारण से कम हुआ है। इसी मुद्दे पर केजरीवाल जमानत को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, हालांकि ईडी इसके सख्त विरोध में है। इस बीच तिहाड़ सूत्रों ने केजरीवाल के वजन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हुआ है जेल के दौरान और यह किसी बड़ी बीमारी का इशारा कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। अब तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल के वजन के फैक्ट्स सामने आए हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद तिहाड़ जेल नंबर 2 स्थित डिस्परेंसी में जेल में रहने के दौरान चेक कराए गए केजरीवाल के वजन को लेकर एक लेटर जारी किया गया है। लेटर में बताया गया है कि 1 अप्रैल 3 अप्रैल 8 अप्रैल 16 अप्रैल 29 अप्रैल और 9 मई को उनका वजन चेक कराया गया था। उस दौरान केजरीवाल का वजन क्रमशः 65 किलोग्राम 66 और 64 किलोग्राम पाया गया था। तिहाड़ जेल नंबर 2 में स्थित डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जेल अधीक्षक को केजरीवाल के वजन से संबंधित रिपोर्ट आज 30 मई को भेजी गई है। तिहाड़ जेल नंबर 2 में स्थित डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जेल अधीक्षक को केजरीवाल के वजन से संबंधित रिपोर्ट 30 मई को भेजी गई। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में 1 महीने के दौरान 63 लाख रुपए के आम खाए। जी हां, यह खबर हर किसी को चौंका रही है और आम भी कोई साधारण नहीं। इस आम की कीमत 3 लाख रुपए किलो है और इसका नाम मियां जाकी है। दरअसल शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा गया था और इस दौरान उन्होंने सिर्फ आम खाए थे। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स अपना नाम राजेश भसीन बता रहा है और कहा है कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में 1 महीने के दौरान 63 लाख रुपए के आम खाए हैं। और अगर ऐसा है तो सोचिए यह आदमी कितना खास है। जो आदमी एक साधारण सी शर्ट पहनते हैं, एक हवा चप्पल पहनते हैं, उस आदमी ने 63 लाख रुपए के आम खा लिए। आगे शख्स ने कहा, यह है जनता के गाड़ी पैसे की कमाई। जिस तरह वो अपनी जीभ के जायके में लुटा रहे हैं, जैसे आरटीआई की रिपोर्ट आएगी मैं उसे सार्वजनिक करूंगा। बता दें कि लाइव टीवी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं केजरीवाल के वजन को लेकर आप नेता आतिशी ने दावा किया है कि केजरीवाल के चिकित्सकों ने उन्हें कैंसर, गुर्दे की बीमारियों और हृदय संबंधी रोगों से जुड़ी जांच कराने की सलाह दी है। आतिशी ने कहा, ईडी अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध क्यों कर रही है? भाजपा इसका विरोध क्यों कर रही है? मैं भाजपा और ईडी से पूछना चाहती हूं कि आप केजरीवाल की जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।